बाबा राघवदास अंबेडकर कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस वार्ड की व्यवस्था को और आधुनिक बनाए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना दिया। धरने के दौरान पार्टी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया। पार्टी के सदस्यों का कहना है कि इंसेफ्लाइटिस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इस बीमारी से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं इंसेफ्लाइटिस वार्ड की स्थिति काफी दयनीय है। पार्टी के सदस्यों का कहना है कि इंसेफ्लाइटिस जैसे गंभीर बीमारी को देखते हुए प्रदेश सरकार को जल्दी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। पार्टी के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस वार्ड संख्या बढ़ाए जाने सहित कई अन्य मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्टी के शिव वचन, शोभा, कपिल देव, विधावती, बैजनाथ शर्मा, मधु गर्ग, रमाशंकर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मधु गर्ग ने कहा, इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगाओ, आवाज दो, इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगाओ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अपने मेडिकल में सुविधा दुरुस्त करो। मेरा नाम मधु गर्ग है और मैं CPIM सेक्रेटरीट की सदस्य हूँ राज्य कमेटी में। ये मुख्य मांग हमारी यही है कि इंसेफ्लाइटिस जो पिछले 40 साल से गोरखपुर और आसपास के ज़िलों को अपने ग्रिप में लिए हुए है और सही मायने में उसके लिए कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाए गए हैं। और अभी सरकार कहने को कह रही है कि हमने यहाँ पर 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और वहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के लिए वो ICU बनाए हैं, लेकिन पता ये चला है जांच में कि 3-3 बेड पड़े हैं लेकिन उसमें ना वेंटिलेटर है। मूल मांग ये है कि PHC CHC सब जगह इंसेफ्लाइटिस वार्ड बने, सारी सुविधाओं से युक्त, ये नहीं कि केवल बेड हो, वहाँ पर वेंटिलेटर हो, वार्मर हो, डॉक्टर हो। डॉक्टर जो है ही नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है 20 डॉक्टर की वहाँ 7 डॉक्टर हैं। तो हम लोग की मांग है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, PHC CHC को मजबूत किया जाए, जिसकी वजह से जो गांव वाले झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ते हैं वो ना पड़े। और जो सबसे बड़ी बात है, जो ऑक्सीजन की खरीद फरोख्त में जो पिछले साल भ्रष्टाचार हुआ था, तो खरीद फरोख्त को पारदर्शी बनाया जाए जिससे कि भ्रष्टाचार की कोई नौबत ना आए। ये हमारी मांग है।